जय श्री कृष्ण। तंद वक्त और विदुरथ का उद्धार तथा तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सूत जी का वध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित शिशुपाल साल्व और पौंडरक के मारे जाने पर उनकी मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंत वक्त अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आ धमका। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में एकमात्र गदा थी, परंतु परीक्षित लोगों ने देखा वह इतना शक्तिशाली है कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही है। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा, तब झटपट हाथ में गदा लेकर वे रथ से कूद पड़े। फिर जैसे समुद्र के तट की भूमि उसके ज्वार भाटे को आगे बढ़ने से रोक देती है, वैसे ही उन्होंने उसे रोक दिया। घमंड के नशे में चूर करुष नरेश दत्तवक्त ने गदा तान कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने पर गए। कृष्ण, तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मित्रों को मार डाला है और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मति मंद आज मैं तुम्हें अपनी ब्रज कर्ष गदा से चूर चूर कर डालूंगा। मूर्ख, वैसे तो तुम मेरे संबंधी हो, फिर भी हो शत्रु ही। जैसे अपने ही शरीर में रहने वाला कोई रोग हो, मैं अपने मित्रों से बड़ा प्रेम करता हूँ, उनका मुझ पर ऋण है। अब तुम्हें मारकर ही मैं उनके ऋण से उकऋण हो सकता हूँ। जैसे महाबत अंकुश से हाथी को घायल करता है, वैसे ही दंतवक्त ने अपनी कड़वी बातों से श्री कृष्ण को चोट पहुँचाने की चेष्टा की और फिर वह उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर सिंह के समान गरज उठा। रणभूमि भूमि में गदा की चोट खाकर भी भगवान श्री कृष्ण तस से मस ना हुए। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोद की गदा संभाल कर उससे दत्तवक्त के वक्षस्थल पर प्रहार किया। गदा की चोट से दंतवक्त का कलेजा फट गया, वह मुंह से खून उगलने लगा, उसके बाल बिखर गए, भुजाएं और पैर फैल गए। निदान निष्प्राण होकर वह धरती पर गिर पड़ा। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था, सब प्राणियों के सामने ही दंतवक्त के मृत शरीर से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण में समा गई। दंतवक्त के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से अत्यंत शोकाकुल हो गया। अब वह क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेता हुआ हाथ में ढाल तलवार लेकर भगवान श्री कृष्ण को मार डालने की इच्छा से
आया। राजेंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अब वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने अपने छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से किरीट और कुंडल के साथ उसका सिर धर से अलग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने साल्व उसके विमान शोभ दत्त वक्त और विदुरथ को, जिन्हें मारना दूसरों के लिए आशक्य था, मारकर द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उस समय देवता और मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि सिद्ध गंधर्व विद्याधर और वासुकी आदि महान नाग अप्सराएं पितर यक्ष किन्नर तथा चारण उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी विजय के गीत गा रहे थे। भगवान के प्रवेश के अवसर पर पूरी खूब सजा दी गई थी और बड़े बड़े वृंदवंशी यादव वीर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। योगेश्वर एवं जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण इसी प्रकार अनेकों खेल खेलते रहते हैं। जो पशुओं के समान अविवेकी हैं, वे उन्हें कभी हारते भी देखते हैं, परंतु वास्तव में तो वे सदा सर्वदा विजयी ही हैं। एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, उन्हें किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहां से चलकर उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया और तर्पण तथा ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता ऋषि पितर और मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। वे कर्मांश पुरथुतक बिंदुसर तीर्थकूप सुदर्शन तीर्थ विशाल तीर्थ ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थ और पूर्वाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। परीक्षित तदनंतर यमुना तट का और गंगा तट के प्रधान प्रधान तीर्थों में होते हुए वे नैमिषारण क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि सत्संग रूप महान अस्त्र कर रहे थे।